हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। तो लास्ट टर्न तक हम ब्रायोफाइट अपना कंप्लीट कर चुके थे, मतलब हम किंगडम प्लांटी में एलजी ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर चुके हैं। अब किंगडम प्लांटी का नया जो ग्रुप है वो हमको पढ़ना है, टेरिडोफाइटा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। टेरिडोफाइटा को हम एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है? रेप्टाइल्स इसलिए बोलते हैं, आपको याद होगा अभी जब हमने लास्ट टर्न पे ब्रायोफाइट पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट पढ़ने के टाइम पे हमने उसकी बात की थी कि हमने बोला था वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। तो एम्फीबिया के बाद क्या आता है? रेप्टिलिया। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। उसको एम्फीबियन बोलने का रीजन क्या था कि वो लैंड एंड वाटर दोनों में रह रहा था। ऐसे ही जब आप रेप्टाइल्स को और एम्फीबियंस को टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कंपेयर करेंगे तो आपको सिमिलरिटी समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ही हमने इसको क्या बोला है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अच्छा और हम क्या बोलते हैं इसको? और भी कई चीजों से हम इसको रेप्टाइल्स को बुलाते हैं। क्या क्या है वो? एक तो हम इनको बोलते हैं वैस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? वैस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। क्या मतलब है क्रिप्टो सॉरी गेम्स? क्या मतलब है वैस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स का? वैस्क्यूलर का मतलब होता है जिसके पास वाटर हो। वैस्क्यूलर मतलब वाटर। ठीक है, अच्छा वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो बेसिकली। और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गेम्स का मतलब होता है गैमिट। तो यहाँ पे जो गैमिट्स हैं वो बेसिकली हिडन रहते हैं, एक्सपोज्ड नहीं रहते हैं। लाइक जब आप बात करेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, वहाँ पे आपको बात करेंगे तो वहाँ बोलते हो फेनेरोगेम्स होते हैं वो। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? क्रिप्टो गेम्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो वैस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब खास बात समझिएगा, वैस्कुलर टिश्यू तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन जो वैस्कुलर टिश्यू में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोयम। ठीक है, शायद इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, अगर है भी तो जब हम प्लांट एनाटमी पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जाइलम के बारे में और फ्लोयम के बारे में। तो जाइलम में यहाँ पे जो चीज एब्सेंट होती है उसकी हमें बात करनी है। जाइलम में यहाँ पर वेसल्स नहीं होती हैं, ट्रेकीड्स होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, लेकिन वेसल्स नहीं होती हैं। ऐसे फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम में यहाँ पे कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। क्या एब्सेंट होती हैं? कंपेनियन सेल्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि यहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। हालांकि एक्सेप्शन हर चीज के, लाइक जो हमने पिछला पॉइंट डिस्कस किया था वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स वाला, और जो हमने बात की थी कि जाइलम में वेसल्स नहीं होंगी, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी, उसके भी एक्सेप्शन है, कुछ टेरिडोफाइट्स है जिनमें होती भी है। लेकिन इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ जनरली टेरिडोफाइटा में नहीं देखने को मिलती है। जनरली बोलूँ क्या, मोस्टली नहीं होती है, कुछ इक्का दुक्का है जिनमें मिल जाती है। आइसोइड्स एग्जांपल भी होता है, लेकिन आपको याद नहीं रखना, भूल जाइए। तो बेसिकली अगर जनरल स्टेटमेंट दो तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। हमने जब ब्रायोफाइट की बात की थी तो हमने बोला था वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे। क्या थे? सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे। फर्स्ट लैंड प्लांट्स तो थे पर सक्सेस नहीं थे। क्यों नहीं थे और ये क्यों है? तो इनकी सक्सेस की हम बात करते हैं। वहां तो हमने बात कर ली थी क्यों नहीं थे, इनकी बात कर लेते हैं ये क्यों है। इनके अंदर पहली चीज वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पे जो इनकी प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड है रूट स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज इट इज, यहां पे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो डिस्कस करते हैं। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। पहले मैं रिपीट करवा देता हूँ, रेप्टाइल्स बोलते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल
सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है दोस्तों। रीजन क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सक्सेसफुल तो है फर्स्ट, पर ये ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है। ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है, क्या रीजन है ट्रू ना होने का, क्या रीजन है? बेसिक रीजन ये है ट्रू ना होने का कि इनके पास ये तो है कि वेस्कुलर टिश्यू हो गया, रूट्स हो गया, तो आपने टेरेस्ट्रियल बोल दिया, पर ट्रू टेरेस्ट्रियल होने के लिए क्या और चाहिए कि इनको हम ट्रू टेरेस्ट्रियल बोल दें? सॉरी, तो क्या रीजन है क्यों हमने इनको बोला है बेसिकली कि ये ट्रू नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल ना होने का रीजन है कि इनको भी वाटर चाहिए होता है, किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या चाहिए होता है इनको? सॉरी, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज तो आपको वहां भी चाहिए थी, लेकिन डिफरेंस क्या आया, यहां पे वेस्कुलर टिश्यू आ गए और प्लांट बॉडी डिवाइड हो गई, यहां पे बेसिकली इनको रूट्स मिल गई, ठीक है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये भी ग्रो कहाँ करते हैं? शेडी प्लेसेस में और मॉइस्ट प्लेसेस पे, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एज अ इंट्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम दो तरह के टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, एक होंगे मेगाफिल्लस, एक होंगे माइक्रोफिल्लस। उनमें कोई याद रखने का नहीं है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन समझनी, उनका मतलब समझना, उनके एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला है मेगाफिल्लस और दूसरा है माइक्रोफिल्लस, ठीक है दोस्तों। मेगाफिल्लस, मेगाफिल्लस का क्या मतलब? मेगा का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है दोस्तों। फिल्लस का मतलब क्या होता है? लीव्स। यहां पे भी फिल्लस का मतलब लीव्स। तो बेसिकली जिनकी स्टेम, ये जो लार्ज लीव वाले, इनकी स्टेम कैसी होगी? छोटी होगी। और लीव्स कैसी होंगी? बड़ी होगी। इनकी स्टेम तो बड़ी होंगी, पर लीव्स कैसी होंगी? छोटी होंगी। इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल याद आपको रखना है वो है फर्न। फर्न हालांकि एक क्लास है, कोई एक अकेला एक प्लांट नहीं है, पर याद फिर भी फर्न ही रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे फर्न इसमें आ जाएंगे। और यहाँ आपको जो याद रखना है वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के बारे में हम डिस्कशन डिटेल से करेंगे जब हम बात करेंगे इसकी क्लास की, ठीक है, लाइकोपसिडा की। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा में किया था कि लाइफ साइकिल डिस्कस की थी, यहां पर भी हम क्या डिस्कस करेंगे? इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दिमाग में रखिएगा, वहां पे जो प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा पड़ी थी वो कैसी थी? गैमेटोफाइटिक थी। यहाँ पे कैसी है? स्पोरोफाइटिक है। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट कहां से करेंगे? स्पोरोफाइट से। ठीक है दोस्तों, स्पोरोफाइट के बाद यहां पे क्या बनेगा? स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, ठीक है दोस्तों, स्पोरफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्या करेगी? अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा मदर सेल में? मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेगा? मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, ठीक है। और ये स्पोर्स बेसिकली क्या फॉर्म होता है? यहां पे एक प्रोथेलस फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है?
जो कि एक इंडिपेंडेंट होता है, सॉइल के अंदर रहता है, गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट होती है यहाँ पे, और ये फोटोसिंथेटिक मतलब स्मॉल फोटोसिंथेटिक है, पर होता फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट होता है। यही प्रोथेलस आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनिया। आप सबको ये पता है यहाँ पे एन स्टेज आ गई है। ये सब कैसे वाले थे, ये 2N वाले थे, है ना, 2N 2N 2N। ये कैसे हैं, N N, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये क्या फॉर्म करेंगे भाई, एंथेरोजोइड्स। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एग, ठीक है। ये कैसे होंगे, एन एन। अब बात यही आती है, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद इनका फ्यूजन होगा और यहां फॉर्म होगा क्या, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2N। जाइगोट के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद जर्मिनेट होके ये क्या बना लेंगे वापस से, जर्मिनेशन। क्या बन जाएगी आपकी, स्पोरोफिटिक स्टेज फॉर्म हो जाएगी। एम्ब्रियो भी कैसा होगा, 2N होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ समझने जैसा बहुत कुछ नहीं है, जो हमने नॉर्मल होती है मतलब लाइफ साइकिल में, वही लाइफ साइकिल हमने बताई है। वहां पे बस डिफरेंस क्या आ रहा था, ब्रायोफाइटा में ये स्टेज नीचे आ गई थी, क्यों, क्योंकि वहां पे मेन जो स्टेज थी वो गैमेटोफिटिक थी, ठीक है। और तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफिटिक। और ये कैसी है, स्पोरोफिटिक स्टेज है, ठीक है दोस्तों। तो ये लाइफ साइकिल आपको याद रखनी है। अब लाइफ साइकिल से जुड़ी बात करते हैं, स्पोरोफाइट, ये हम बात कर चुके हैं कि मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। फिर बात आती है स्पोरोफिल पे, स्पोरोफिल क्या होता है, बात समझिएगा। यहाँ पे दो तरह की लीफ देखने को मिलती है आपको टेरिडोफाइट में, एक होती है ट्रोपोफिल, एक होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है। और जो ट्रोपोफिल होती है, वो ट्रोपोफिल कैसी होती है, वेजिटेटिव लीव्स, जो आपकी या फिर बोले फोटोसिंथेटिक लीव्स, ठीक है। तो अभी ट्रोपोफिल की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं स्पोरोफिल की, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम बात करते हैं स्पोरोफिल होती कहाँ है, किसके ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ बताया स्पोरेंजिया में क्या होती है, स्पोरोफिल में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस के बाद क्या बना देती हैं आपकी, सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन करवाएंगे, प्रोथेलस फॉर्मेशन करवा देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब ये चीज समझिएगा, यहाँ पे गैमीट किस हिसाब से बनेंगे, यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे ये किस अकॉर्डिंग बनेंगे, मियोसिस से या माइटोसिस से, गैमीट कैसे बनेंगे यहाँ पे सोचिए, गैमीट जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे बताइए। गैमीट बनेंगे यहाँ पे माइटोसिस से। अगर आप गैमीट स्पोर्स को मानते हैं, यहाँ एक स्टेज अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, स्पोर्स उसके बाद प्रोथेलस, ठीक है। ये स्टेज अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लेकिन गैमीट अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको एक तो याद रखना है। अच्छा, और क्या चीज होती है, गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है। क्या होता है, गैमेटोफाइट, पॉइंट्स बता रहा हूँ याद रखने के लिए, चलिए मैं लिख देता हूँ। लाइफ साइकिल शायद क्लियर हो गई होगी, मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट। चलिए, गैमेटोफाइट नॉन वेस्कुलर होता है, नॉन वेस्क्यूलर। अब बात समझ, क्योंकि फोटोसिंथेटिक वाला काम कर रहा है कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। पूरे प्लांट किंगडम में कहीं भी गैमेटोफाइट आएगा वो कैसा होगा, नॉन वेस्क्यूलर ही होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, और आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है, ये डिप्लॉइड स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अच्छा, ये तो समझ आता है कि आपको, कभी मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलता हूँ, कभी डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल रहा हूँ, बात समझिएगा। जो डोमिनेंट स्टेज होती है उसको हम पहले बोलते हैं, तो वहां पे हैप्लॉइड डोमिनेंट थी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला था, यहाँ पे डिप्लॉइड डोमिनेंट है तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे स्पोरोफाइट
एंड गैमेटोफाइट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं. गैमेटोफाइट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा. एक ये जो प्रोथैलस वाला पॉइंट है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा. प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेज है. गैमेटोफिटिक में भी ये किस तरह से काम करता है? एक तो ये थोड़ा बहुत फोटोसिंथेटिक भी होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ये कैसा होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल फोटोसिंथेटिक. ये पॉइंट आपको याद रखना है एक तो इसमें. ठीक है दोस्तों, तो हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए. लाइक एक तो बोला गैमेटोफाइट इसका नॉन वैस्कुलर है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं. प्रोथैलस की बात कर ली हमने. तो ये लाइफ साइकिल से जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं. तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी मेजरली कैसा होगा? ऊगेमस. अब ये वाली बात आई तो ऊगेमस जैसे ही मैंने लिखा तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही मेल जो पार्ट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा. मोटाइल भी कैसा? मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है जनरली. ठीक है, एक एक्सेप्शन आता है जिसमें स्लेजिनेला, जिसमें बाइफ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन आपको मेजरली याद रखना है कैसा होता है? मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है. और एक जो फीमेल वाला पार्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा. तो ये चीज़ आपको पहले से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऊगेमस का मतलब क्या होता है. एक लास्ट पॉइंट और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कई सारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह के स्पोर फॉर्म करते हैं. ठीक है, वन टाइप ऑफ स्पोर. लेकिन कुछ टाइप के जो प्लांट होते हैं, मेजरली तो होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोर. उनकी हम बात करेंगे. स्पोर्स बेसिकली लिख देता हूं, स्पोर्स दो तरह की बात होती है, एक होमोस्पोरस एक हेट्रोस्पोरस. दे आर नॉट इन द एरिया ऑफ द कंसर्न. तो ये इनको हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी. होमोस्पोरस है, बस इतना याद रखना है होमो मतलब सेम, तो सेम टाइप के स्पोर होंगे. हेट्रोस्पोरस जो होते हैं वो हमको समझना है. डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर है ये तो ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स ये तो ठीक है. चलिए ये तो हमारा डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया? हेट्रोस्पोरस. लेकिन इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल क्या है? सेलेजिनेला, साल्विनिया, साल्विनिया एंड मार्सिएला. मार्सिएला ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. ये हेट्रोस्पोरस में आपको एज इट इज याद रखने हैं. अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो लाइफ साइकिल में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, वो एम्ब्रियो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए फीमेल गैमेटोफाइट में ही रह जाता है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रह के एम्ब्रियो ग्रो करता है या फिर ऐसे के लिए डेवलप होता है. और यही कुछ ये सब में नहीं देखने को मिलता है, कुछ टेरिडोफाइट्स में ऐसा देखने को मिलता है. और वही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट ये बेसिकली हायर प्लांट्स की चीज है, लेकिन ये कुछ टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल जाती है. सेलेजिनेला बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका. ठीक है, सेलेजिनेला हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत सारी चीजें आप सेलेजिनेला से ही सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है. हेट्रोस्पोरस वाला पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये कंपाइल करके इतने पॉइंट्स आपको इनिशियली आपको याद रखना है. अब हम बात करेंगे इनके क्लासेस के बारे में. बेसिकली क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं. चार तरह की क्लासेस हमको पढ़नी है.
और एक और चीज दोस्तों याद रखिएगा, एनसीईआरटी साथ साथ में रीड करते जाइएगा, नहीं तो बाद में ये बहुत बर्डन लगेगा। बहुत कम दिया है एनसीईआरटी में, पैराग्राफ ही पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया है, तो एटलीस्ट आप वो तो करते जाइएगा साथ में, क्योंकि अगर वो भी नहीं करेंगे तो बहुत बर्डन लिखेगा ये आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लासेस की बात करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो हमको कुछ ये क्लासेस डिस्कस करनी है जो कि चार क्लासेस हैं। साइलोप्सिडा सबसे पहली, ये एंशियंट टेरिडोफाइट्स हैं। कैसे हैं? एंशियंट, एंशियंट टेरिडोफाइट्स हैं। इनका आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है जो कि है साइलोटम, साइलोटम, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, साइलोटम, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। क्या है? लिविंग फॉसिल। यहाँ और भी आते हैं, राइनिया वगैरह आते हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर फॉसिल है, वो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। राइनिया, हॉर्नियोफाइटन भी आते हैं, याद नहीं रखने आपको। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है क्या, साइलोटम, PSILOTUM, और ये क्या है? लिविंग फॉसिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है लाइकोप्सिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपको मेजर पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो टिप होती है वहां पे आपको स्ट्रोबिलस या कोन्स देखने को मिलते हैं, जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल, ये आपको टिप पे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोन्स के फॉर्म में होते हैं। जब आप डायग्राम देखेंगे इनका तो आपको समझ आएगा ये टिप की मैं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में डायग्राम जरूर देखिएगा, डायग्राम बनाना प्रॉपर उसी वे में पॉसिबल नहीं है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, ये मेरा अश्योरेंस है। फिर भी ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो लाइकोप्सिडा के जो एग्जांपल्स हैं वो हमको डिस्कस मेजरली यहां पे करने हैं। लाइकोप्सिडा, यहां पे आपको याद रखना है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, और एक सिलेजिनेला की स्पेशल स्पीशीज जो हम अलग से पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। अब क्यों बोला ऐसा वो समझिएगा। ठीक है दोस्तों, समझने वाली चीज ये है, लाइकोपोडियम, इसको हम बोलते हैं क्लब मॉस। अब मॉस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रायोफाइट है। मॉस इसको बोला जाता है क्योंकि ये मॉस की तरह दिखता है। ठीक है, क्लब मॉस ये याद रखिएगा, ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं उसमें लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलेजिनेला इसको हम बोलते हैं लिटिल क्लब मॉस, सॉरी लिटिल क्लब मॉस, या फिर हम इसको स्पाइक मॉस भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके थ्रू जो आपके, हमने बात की थी हिट्रोस्पोरी की बात की थी, हमने सीड हैबिट की बात की थी, यहाँ की जो टंग होती है, मतलब बेसिकली टंग शेप्ड इनकी लीव्स होती हैं, लिगुलेट लीव्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आप ऐसे समझिए एक बॉल लाइक होता है। ये कैसे होता है? बॉल लाइक। और ये क्या होता है, जैसे इस पर पानी डालो तो ये पूरा ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा सारा हो जाता है, और जैसे इसके पास से पानी हटा लो और सूखा छोड़ दो तो ये कंसाइज होकर एक बॉल का साइज अटेन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसको हम बोलते हैं संजीवनी। जो संजीवनी बूटी आपने सुना था वो यही संजीवनी है, लेकिन इसमें अब वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रही जो हमने सुनी है रामायण के टाइम की, जो रामायण वाली बुक में हमने पढ़ी है, ग्रंथ में हमने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज अब इसमें नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फिनोप्सिडा की। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में याद जो आपको रखना रहे, सेम पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी स्ट्रोबिलाई वाला जो कोन वाला पॉइंट है इनके टॉप पे होता है, इसका प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। इक्विसीटम का डायग्राम देखिएगा आपको समझ आएगा, एक राइजोइड वाला पॉइंट दिखा रहे होंगे, फिर पूरा अपराइट एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे होंगे, फिर आपको टॉप पे स्ट्रोबिलाई या कौन सा वाला स्ट्रक्चर दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस करनी है, इसके एग्जाम्पल, और जो कि क्या है आपका इक्विसीटम, इक्विसीटम। ठीक है, इसको इनकी जो क्लास है इनको हम बोलते हैं हॉर्स टेल्स, ये हॉर्स टेल की तरह दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? हॉर्स टेल्स,
एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो वॉल्स होती हैं, जिनकी वॉल होती है इसमें क्या होता है, सिलिका होता है। और ये सिलिका जब ये हवा चलती है तो ये आपस में जब रब होते हैं तो रब होने की वजह से उनमें फायर लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर का एक मेजर कॉज है ये, ठीक है। सिलिका होती है कहाँ पे, वॉल्स में, और रबिंग के टाइम पे जब वो विंड चलती है, हवा चलती है, तब क्या होता है, रबिंग होती है, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर का कॉज बन जाते हैं, फॉरेस्ट फायर। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कुछ। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा भी डिस्कस कर लेते हैं। टेरोप्सिडा में क्या इंपॉर्टेंट है, टेरोप्सिडा को हम बोलते हैं फंस। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ट्रोपोफिल और स्पोरोफिल यहां अलग नहीं होते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे स्पोरोफिल भी आपका फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, ट्रोपोफिल भी फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे कोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जितनी देर से हम कोन्स की बात कर रहे थे वो कोन्स फंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों देखने को नहीं मिलती, क्या क्योंकि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होता है वो हर एक लीफ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब बेसिकली स्पोरेंजिया बन रहा है, तो आपका पूरी जो भी लीफ है, जो जिस भी टाइप के, वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे सब में ही बन रहा है, तो सब में ही बनेगा। तो यहाँ पे एक कोन जैसी स्ट्रक्चर कोई भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी क्लास है, लार्जेस्ट है। हमारा कैमरा ऑफ हो गया था, हमेशा जो होता है, लार्जेस्ट क्लास है। और जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया कि यहाँ पे स्पोरोफिल एंड ट्रोपोफिल ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, अलग अलग नहीं होती हैं, ठीक है, ये एक ही एंटिटी होती है। और क्योंकि यहाँ पे स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड बाय एवरी लीफ, स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड बाय एवरी लीफ, इसी वजह से क्या होता है, एवरी लीफ एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहां पे आपको क्या नहीं देखने को मिलता, कोन्स का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। लार्जेस्ट की हमने बात करी ली, ये मेगाफिल्लस होते हैं, ये हमने बात की थी जब हमने बात की थी कि माइक्रोफिल्लस मेगाफिल्लस दो तरह के टेरिडोफाइट्स की बात की थी। एक और चीज यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे रेमेंटा जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। रेमेंटा याद रखने की जरूरत नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी लीव्स वगैरह पे देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, ठीक है दोस्तों। फंस, इनको कॉमनली हम फंस बोलते हैं, ये हम बात कर ही चुके हैं, लिख चुके हैं हम ये। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इनके यहां पे लिख रहा हूं, एजोला, एडिएंटम। एजोला को हम बोलते हैं एक्वेटिक फर्न, ठीक है। ये आपका बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स में काम आता है। कहाँ काम आता है, बायो फर्टिलाइजर। आपको याद होगा हमने बीजीए पढ़ा था, एनाबीना पढ़ा था, तब लिखा था एजोला, याद आ रहा है, एजोला एनाबीना बायो फर्टिलाइजर, राइस का प्रोडक्शन बढ़वाता है, ये वही एजोला है, ठीक है दोस्तों। एडिएंटम, इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न, ठीक है। अब इसको वॉकिंग फर्न बोलने का रीजन भी यही है कि ये जब ग्रो करता है तो इस तरह से ग्रो करता है जैसे कोई चल रहा हो, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई चल रहा हो, इसलिए हम इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं एडिएंटम को। नेक्स्ट आता है टेरिडियम, और क्या आते हैं यहां पे, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया टेरिस। इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है पर याद रख लीजिएगा, एग्जांपल एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेरिडोफाइटा में बेसिकली आपको यही सारी चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, चार नंबर आपको बड़े आसानी से दिलवाता है, तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।